अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर पीएनबी वन ऐप को इस्तेमाल करते हो और आप जैसे यहाँ पर दे सकते हैं, जब हम इसमें एम पिन एंटर करने के लिए लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, योर यूजर आईडी डिसेबल्ड ड्यू टू नन यूजेस ऑफ पीएनबी वन मोर देन 360। अब यहाँ पर कुछ यूजर्स को लगता है कि अब यहाँ पर हमको 360 वेट करना है तभी यह ओपन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी और दूसरा यहाँ पर अपने ब्रांच में जाकर। तो हम यहाँ पर आपको पहला तरीका बताएं कि आप यहाँ पर अपने मोबाइल से या अपने घर बैठे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो कम्प्लीट प्रॉफिट दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो एरर आ रहा है आपको इसी ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ओके किया अब आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हेल्पफुल देखने को मिलती है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर पहले एम पिन एंटर करें यहाँ पर लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर वही एरर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको एम पिन नहीं एंटर करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है ट्रबल साइनिंग इन। तो दोस्तों आपको यहीं पर ट्रबल साइन इन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने ट्रबल साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया अब आपके सामने यहाँ पर बहुत से ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको इनेबल यूजर वाले ऑप्शन को फ्लैट करना है, जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर इनेबल यूजर, तो आपको इसे इनेबल यूजर पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने इनेबल यूजर पर क्लिक किया अब यहाँ पर आपको यूजर आईडी एंटर करना है। यूजर आईडी आपके पासबुक पर लिखा होगा, आप वहाँ से देख कर यहाँ पर एंटर कर दें। वहाँ पर CIF ID के नाम से लिखा होगा उसी को यूजर ID बोलते हैं, पासवर्ड पर CIF ID लिखा होगा उसी को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है यूजर ID में। यूजर ID एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। अब जैसे ही आप यूजर ID एंटर कर कंटिन्यू करेंगे अब आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वह OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड वाला ऑप्शन आ चुका है, पहले यहाँ पर ओनली डेबिट कार्ड वाला था लेकिन अब यहाँ पर आधार वाला भी ऑप्शन आ चुका है। अगर आपके में ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो प्ले स्टोर से आकर इस ऐप को अपडेट कर लें। तो हमारे पास डेबिट कार्ड तो है नहीं पंजाब नेशनल बैंक का, तो हम यहाँ पर इनेबल यूजर यूजिंग आधार कार्ड वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करते हैं। तो हम इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह आधार नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, तो आपका जो भी आधार कार्ड का जो नंबर है 12 डिजिट का वही यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करते हैं और आपको इस बॉक्स पर टिक करना है, फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, यानी आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वह OTP एंटर करना है और यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। और आप यहाँ पर दे सकते हैं सक्सेस, यूजर आईडी इनेबल्ड सक्सेसफुली, यानी हमारा यूजर आईडी सक्सेसफुली इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक करना। तो अब यहाँ पर आप एम पिन एंटर करने के लिए लॉगिन करोगे तो अब आप फाइनली इस एम में लॉगिन हो जाओ। लेकिन अभी भी आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आपके बैंक में यहाँ पर आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, यानी आपके बैंक में आधार सिंक नहीं होगा, तो आप अपने बैंक में आधार भी अपडेट कर सकते हैं घर बैठे। पहले वीडियो बना चुके हैं, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें।